सब तो अपने बाबू के पास है और मेरी बाबू तो मायके चली गई। अब मैं किसके बाबू के पास जाऊं? बाबू। अरे दोस्ती हो या प्यार, दोनों गहरा होना चाहिए। और अगर बीबी लड़ाकू हो तो पति बहरा होना चाहिए। चाय वाले से बढ़िया तो पान वाला है। आए? कम से कम पूछ के तो चूना लगाता है। क्यों? साला चाय में तो चीनी नहीं है। ये शुगर पेशेंट वाले मेहमान ने भी नाक में दम कर रखा है। क्यों? अरे ये लोग सब तरह की मिठाइयाँ खाएंगे। क्यों? लेकिन इनको चाय फीकी ही चाहिए। शर्मीले लोगों से एक बार दोस्ती हो जाए तब पता चलता है कि इससे बड़ा बेशरम तो कोई हो ही नहीं सकता। माना कि हम दोनों को बिछड़े हुए कई साल हो गए, लेकिन आज भी तुम मुझे याद आती हो। ओ सजनी रे। साला मेरी गर्लफ्रेंड ना कॉल करती है ना मैसेज करती है, कहीं मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड की तरह काट के तू नहीं चली जाएगी? कहीं आप फेल हो गए तो गांव समाज के लोग क्या कहेंगे? जी लोग कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले हम पांचों दोस्त जा रहे हैं गुजरात लोहा फैक्ट्री में काम करने। तुम कोई टेररिस्ट हो गया, क्योंकि तुमने मेरा दिल हाईजैक कर लिया है बाबू। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हारे प्यार में बार बार गिर रहा हूँ बाबू। पापा ये आपके यहाँ से बाल व्हाइट क्यों हो रहे हैं? तेरे जैसे निकम्मी औलाद को पाल के व्हाइट ही होंगे। अच्छा तभी सोचूं दादाजी के सारे बाल व्हाइट कर। लड़कियों का भी दिल टूटता है पर वो कभी दारू नहीं पीती बेवड़ों, तुमको बस बहाना चाहिए पीने का। हाँ तुम कोई टेररिस्ट हो गया, क्योंकि तुमने मेरा दिल हाईजैक कर लिया है बाबू। रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन उसने कभी मंदोदरी से ये नहीं कहा, ए शर्मा गई का फोन गार्ड दी मम्मी आ गई का। हाँ ओए सुनो, गर्मी बहुत पड़ रही है, आइसक्रीम चाटो, किसी का दिमाग नहीं। सैयाने ऐसा डाला, सैयाने ऐसे देखा मैं पानी पानी हो गई जी। प्लीज कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, एक बार कह दो बस एक बार। ठीक है, आई लाइक यू। मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है। मोटी जान मोटापा सा दिखा दो कोई मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग चमक। वैज्ञानिकों ने दूध का पाउडर बना दिया, कॉफी का पाउडर बना दिया, सूप का पाउडर बना दिया, लेकिन दारू का पाउडर नहीं बना पाए। हाँ कुछ महीने पहले जो कपड़ा दो दिन में सूखता था वो कपड़ा आज दो घंटे में सूखता है, और कितना विकास चाहिए। हाँ आज कमाएगा तो कल खाएगा, और कल खाएगा तो परसों भी खाएगा, खाता ही रहेगा मेरा वहाँ। इस दुनिया में इक्के दुक्के ही लोग हैं, जो कुछ समझदार और कुछ भड़वे हैं, जैसे कि मैं समझदार और ये भड़वा। मैं भड़वाऊं? थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा तो ठीक है, ज्यादा मत बोल दियो। भगवान को जिसको भी दुख देना होता है उसकी पत्नी गर्मी में भी मायके नहीं जाती। आने वाली पीढ़ी माँ के यहाँ चलकर सुख नहीं पाएगी, क्योंकि जींस पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी। माना कि हम दोनों को बिछड़े हुए कई साल हो गए, लेकिन आज भी तुम मुझे याद आती हो। ओ सजनी रे। तुमने जिंदगी में बहुत मेहनत की है, चिंता मत करो, तुम बड़े होकर जरूर कामयाब बनोगे। रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन उसने कभी मंदोदरी से ये नहीं कहा, ए शर्मा गई का फोन गार्ड दी मम्मी आ गई का।
हेलो गूगल, गर्मी कब खत्म होगी बताओ तो? अभी कहाँ, अभी तो तुम इंसानों का धोसा बनना बाकी है। पता नहीं कब आएगा वो दिन जब उसका बाप बोलेगा, ये लो 2 करोड़ रुपए, तुम निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। हाँ तो दोस्तों आप टेंशन मत लो, एक बार मुझे प्रधानमंत्री बनने दो इस देश का, पूरे हिंदुस्तान में हर घर में पैसों के पेड़ लगवा दूंगा। सुबेरे सुबेरे उठते के साथ ही 2000 की पत्ती तोड़ो और पूरे दिन भर खर्च करो, और रात को आके फ्री फंड में पलंग पे आके सो जाओ। मुझसे जलने वालों, अब छुपा लो अपनी नजरिया, गर्मी बढ़ गई है नहीं तो हो जाओगे करिया। अमेरिका में 15 साल का बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, लेकिन पापा भारत में तो 1 साल का बच्चा दौड़ने भी लगता है। घर वाले मुझसे कभी भी खुश नहीं रहते, रात को कहते हैं सोता क्यों नहीं, सुबह कहते हैं उठता क्यों नहीं, अब और कहीं मरा कहीं। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांगो बालक तुम्हें क्या चाहिए? हे प्रभु मुझे शादीशुदा से फिर से कुंवारा बना दीजिए। बेटा मन्नत मांगू, जन्नत नहीं। हर इंसान के अंदर एक शैतान छिपा रहता है जो सिर्फ आधार कार्ड में दिखाई देता है। इस दुनिया में इक्के दुक्के ही लोग हैं जो कुछ समझदार और कुछ भड़वे हैं, जैसे कि मैं समझदार और ये भड़वा। मैं भड़वाऊं? थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा तो ठीक है, ज्यादा मत बोल दियो। थोड़ा सा भड़वाऊं, ज्यादा ना। अगर पत्नी मायके गई हो तो आदमी तब तक बर्तन नहीं धोता जब तक कि चाय कढ़ाई में बनाने की नौबत ना आ जाए। आँखों में काजल, होठ में लाली, क्या तुम बनोगी मेरी घर वाली? बाबू और मेरे घर वाले भी लव मैरिज सपोर्ट करते हैं, पर मेरा कोई सेटिंग ही नहीं तो लव मैरिज कहाँ से करूँगा। सिंगल लोग ही देर रात तक जगते हैं साहब, ये जानू मानू वाले तो 10 बजे लड़ मर के सो जाते हैं। कुछ लड़कियाँ तो 1000 मेकअप कर ले पर फिर भी अच्छी नहीं लगती, और एक मेरी वाली है सिर्फ काजल लगा के ही जान ले लेती है। बाबू और भाई तेरे एरिया में क्या चल रहा है? मेरे एरिया में तो गाड़ी लावे घोड़ा लावे हीरो हंडा बजाओ चार डंडा। यार ये बता, गर्लफ्रेंड और बीबी में फर्क क्या होता है? गर्लफ्रेंड और बीबी में फर्क क्या होता है? अरे गर्लफ्रेंड होती है प्यारी हमदर्द और बीबी होती है पूरा सर दर्द। शर्मीले लोगों से एक बार दोस्ती हो जाए तब पता चलता है कि इससे बड़ा बेशरम तो कोई हो ही नहीं सकता। भगवान को जिसको भी दुख देना होता है उसकी पत्नी गर्मी में भी मायके नहीं जाती। मन की नियत पर मुझे भी अब काबू चाहिए, गोरी हो या काली मुझे भी एक बाबू चाहिए। बाबू हमारे यहाँ के मौसम का ये हाल है कि कपड़ा धोते ही सूख जाता है और पहनते ही भीग जाता है। यार भाई एक शायरी हो जाए यार। शायरी? के कोई कितना भी रोके मैं रुकेगा नहीं, के कोई कितना भी रोके मैं रुकेगा नहीं, उस पर आज मैं झुकेगा नहीं। अगर कोई शादीशुदा आदमी नींद में मुस्कुरा रहा है तो समझ जाओ वो सपने में अपनी बीबी को ससुराल छोड़ के आया है। तुम वाईफाई हो क्या? क्योंकि तुम्हें देखते ही मेरा दिल तुम्हारे दिल से कनेक्ट हो जाता है। बाबू दोस्तों मेरी कल ही सेटिंग हुई है,
और आज बेबी को 5,000 उधार चाहिए अर्जेंट।